हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद का उसकी अजीम मोहब्बत के लिए, हम धन्यवाद करते हैं उसके बरकतों के लिए और निरंतर कृपा और दया जो हम पे बरसती है, उसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का जिसने हमें संभाले रखा, सवारे रखा, अपनी बाहों में महफूज रखा और अपने लहू से सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद करते हैं उस महान परमपिता का, धन्यवाद है उस खुदावंद का जिसने हमें हर बुराई से बचा के उसके उद्धार के रास्ते पे चलाया है। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि हमें यह सौभाग्य मिला कि हम इस नए साल 2018 में प्रवेश कर सके। ए दोस्त, आज आप यहां हो क्योंकि यह खुदा की मर्जी थी और इसकी योजना के अनुसार आपने 2018 में प्रवेश किया है, क्योंकि कई सारे लोग पिछले साल 2017 में मौत के घाट उतर गए, लेकिन खुदा का हाथ आपके सर पे था, इसलिए आज आप यहां जिंदा उपस्थित हो। जी हां, आप यहां इत्तेफाक से नहीं हो। अगर आप जिंदा हो और सांसें ले रहे हो और अगर आप इस दुआ को सुन रहे हो इस वक्त, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की खूबसूरत योजना आपकी जिंदगी में कार्य कर रही है। जी हां, आपको हार मानने का कोई अधिकार नहीं है, आपको निराश होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। जी हां, वो स्वर्ग के सिंहासन पे बैठ के पूरी धरती को चला रहा है। जी हां, वो खुदावन जो सर्वोच्च है और सबसे महान है, वो आपका परमेश्वर है। खूबसूरत योजनाएं आपके इस जीवन में आने से पहले, मां के गर्भ में आपको उसने रचने से पहले आपके लिए खूबसूरत स्वर्गीय योजनाएं बनाई है। जी हां, और ये साल है उन सारी योजनाओं को पूरा होने का। जी हां, ये साल है हर वो भविष्यवाणी जो आप पे की गई है उसे पूरा होने का। यह साल है हर वो दर्शन जो आपने देखे हैं उसे पूरा होने का। यह साल है ताकि आपके हर सपने साकार हो। जी हां, यही वो साल है जहां हर वो अच्छी सोच, हर वो भली सोच जो आपके दिमाग में कभी आई थी, परमेश्वर उसे पूरा करेगा आपके जीवन में। जी हां, यही वो साल है 2018। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसकी उपस्थिति आप जहां भी जाए आपके साथ बनी रहे। ये साल है अभिषेक में बढ़ने का, ये साल है ताकि उसके दान और वरदान आपके जिंदगी में कार्य करे, ये साल है ताकि पवित्र आत्मा के हर फल आप में दिखाई दे, ये साल है बढ़ोती का और बहुगुणित होने का, यह साल है आपके अपने घरों में प्रवेश करने का, आपकी अपनी गाड़ियां चलाने का, आपके अपने व्यवसाय और बिजनेस को शुरुआत करने का। जी हां, यही वो साल है क्योंकि आपके प्रवेश करने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति वहां जा चुकी है। जी हां, यही वो साल है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था आपको ऊंचा उठाने का। जी हां, इस साल वो लोग जो आपको नीचे गिरता हुआ देखना चाहते थे, उन्हीं के नजरों में परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। जी हां, आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए एक मेज तैयार करके रखेगा। जी हां, यही वो साल है हर वो तीर जो नरक से निकल रहा है आपके बर्बादी की ओर आपको ले जाने के लिए, वो तीर हवा में गिरफ्तार हो इसी वक्त यीशुआ के नाम से। जी हां, हर वो गोलियात जो आपके महल के अंदर प्रवेश करने से पहले दरवाजे पे खड़ा है, वो गोलियात इसी समय यीशु मसीहा के सामर्थ से मार गिराया जाएगा। हर वो दीवार जो यरीको की दीवार है, जो आपके और आपके आशीषों के बीच खड़ी है, वो दीवार इसी वक्त नष्ट होके गिरेगी और आप प्रवेश करोगे आपके खूबसूरत भविष्य में। जी हां, इस साल में आप वो देखोगे जो पहले आपने कभी देखा नहीं, आप वो महसूस करोगे जो पहले आपने कभी महसूस किया नहीं। जी हां, इस साल पानी पे चलने का साल है, ये साल
हर वो चैलेंज, हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में एक जंग बन के आ रही है, उसके ऊपर से चल के जाने का साल है। आपके द्वारा परमेश्वर अंधों को आंखें देगा, गूंगों को बोलने की शक्ति देगा, कोड़ियों को शुद्ध कराएगा और मुर्दों को भी जिलाएगा इस साल। जी हां, महान चीजें होने वाली है आपके द्वारा। तैयार रहिए, बेहतरीन कारनामे होने वाले हैं आपके द्वारा। खुदा आपको ऐसे लोगों के बीच बिठाएगा जो देश चलाते हैं। खुदा आपको ऐसे लोगों के बीच से निकालेगा जो आपकी जिंदगी से अभिषेक चुराने आए हैं, और ऐसे लोगों के बीच ले जाएगा जो आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे। जी हां, इस साल हर वो व्यक्ति जो दरवाजा खटखटाए, हर वो व्यक्ति जो आपको फोन करे, हर वो संदेशा जो आपके व्हाट्सएप में आए, वो सिर्फ और सिर्फ खुशखबरी और अच्छी खबरें लेके आए। जी हां, मैं भविष्यवाणी करता हूं इस वक्त आपकी जिंदगी पे, आप हारोगे नहीं, आप गिरोगे नहीं, आप फिसलोगे नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई की ओर जा रहे हो। यह साल है बहुगुणित होने का और बढ़ोतरी पाने का। जी हां, आपके बिजनेस में आशीषें आएंगी, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, आपके जिंदगी के हर क्षेत्र में खुदा का महान हाथ दिखाई देगा यीशु मसीहा के नाम से। और यदि आप में से कोई जीवन साथी की तलाश में है, परमेश्वर इसी साल उस जीवन साथी जो खुदा ने स्वर्ग से चुना है वो आपके सामने लाके प्रकट करेगा। जी हां, शादियों की शहनाइयां बजेगी इस साल आपके घरों में, मौत का मातम नहीं होगा, किसी को भी मौत छू नहीं सकती आपके घर में। इस साल बीमारियों को निकाल भार फेंक दिया जाएगा आपके जिंदगी में। और हर वो व्यक्ति, अगर आप एक संतान के इंतजार में है, आपकी शादी हुई है और कई साल अगर आपको बच्चा नहीं है, तो इस साल परमेश्वर आपको एक संतान तोहफे के रूप में देने वाला है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि सारी भविष्यवाणियों को आपने पूरा किया है और हम बहुत जल्द गवाही देने वाले हो। बहुत जल्द आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के, पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर के परमेश्वर की महानता को दुनिया के सामने प्रकट करोगे यीशुआ के नाम से। आमीन, आमीन। और दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस ऑडियो को, इस प्रार्थना, इस दुआ को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों से, अपने घर वालों को, और आपके दिल के जो भी करीब है उसे आप ये प्रार्थना भेजिएगा।